Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइज, वेलकम बैक टू सूरज सूरज क्रिएशन। गाइज, अक्सर हम जब रूम से बाहर निकलते हैं या वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो हम लाइट ऑफ करने भूल जाते हैं। इससे बहुत इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए हम एक ऑटोमेटिक लाइट बनाने वाले हैं इस वीडियो में। ये ऑटोमेटिक लाइट हम एक सिंपल सर्किट के मदद से बनाने वाला है और इसे बनाने का खर्चा आपको सिर्फ 100 रुपये तक आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसे कैसा बनाया जाता है। तो ऑटोमेटिक लाइट बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही कंपोनेंट्स का जरूरत है। सबसे पहले हमारा आता है ये सेंसर, ये है PIR सेंसर। PIR मतलब पैसिव इंफ्रारेड। और ये कैसा वर्क करता है बोलूं तो, जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है उसमें से इंफ्रारेड रेस एमिट होता है, वो रेस को ये सेंस करता है और इसका आउटपुट तभी हाई हो जाता है। ओके, और अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो आप 3 इधर पिन देख सकते हैं। और इस पिन को कैसा पहचाने बोलूं तो, अगर आप इसे ओपन करते हैं ये कवर को, तो इधर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर VCC लिखा हुआ है। ये पिन VCC है और बीच वाला पिन है आउट और ये वाला पिन है ग्राउंड। ओके, अगर बाय चांस इस तरह मेंशन नहीं किया हो रहता है तो कैसे पहचानने का बोलूं तो, देखिए इधर आप एक जीनर डायोड देख सकते हैं। देखिए इसके बगल वाला जो पिन है वो है VCC, मिडिल वाला जो है वो है आउट, इधर से हमको आउटपुट मिलता है, और ये जो राइट साइड वाला पिन है वो है ग्राउंड। आप इस तरह देखेंगे तो आपको 2 प्रीसेट दिखाई देगा। ये जो प्रीसेट है इसके मदद से आप डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आई मीन सेंसिटिविटी को। 2 मीटर से लेकर 5 मीटर तक सेंसिटिविटी को ये प्रीसेट द्वारा सेट कर सकते हैं। और ये जो प्रीसेट है वो आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। 5 सेकेंड से लेकर 5 मिनट तक आप टाइम को ये प्रीसेट के द्वारा सेट कर सकते हैं। ओके, और इधर आप देख सकते हैं 3 पिन आपको दिखाई देगा। ये देखिए, एक्चुअल में ये मोड को सेट करने के लिए है। आप इधर 2 मोड को सेट कर सकते हैं। अगर आप जंपर के मदद से ये 2 पिन को शॉर्ट करते हैं, ओके, तो ये रिपीटेबल ट्रिगर मोड में चला जाता है। रिपीटेबल ट्रिगर मोड मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सेंसर के सामने रहता है तो इसका आउटपुट हाई हो जाता है जब तक वो ऑब्जेक्ट इसके सामने से हट ना जाए। ओके, और अगर आप जंपर को निकालकर ये दोनों पिन को शॉर्ट करते हैं, मतलब बीच वाला और ये साइड वाला, तो ये नॉन रिपीटेबल ट्रिगर मोड में चला जाता है। नॉन रिपीटेबल ट्रिगर मोड में क्या होता है कि इस सेंसर का आउटपुट हाई रहता है और थोड़ी देर के बाद वो लो हो जाता है ऑब्जेक्ट सामने होने के बावजूद भी। ओके, तो आई होप आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। उसके बाद आपको चाहिए जंपर वायर, फिर आपको चाहिए 5 वोल्ट रिले, फिर आपको चाहिए BC547 ट्रांजिस्टर, उसके बाद आपको एक डायोड चाहिए, यह है IN4007 डायोड, फिर उसके बाद 220 ओम का एक रेजिस्टर, ये नहीं रहेगा तो 1 किलो ओम रेजिस्टर भी चलेगा। अभी इस पूरा सर्किट को पावर सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट DC, तो इसके लिए मैंने इधर पुराना मोबाइल का सर्किट लिया है। तो अभी हम अपना काम शुरू करते हैं। तो हम रिले से कनेक्शन शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो टर्मिनल्स है उसे कैसे आप पहचानते हैं। तो उधर आप देख सकते हैं 5 टर्मिनल्स है। ये जो 2 टर्मिनल है, ये और ये दोनों कॉइल टर्मिनल है, और इस दोनों टर्मिनल के बीच में जो टर्मिनल आता है वो है कॉमन टर्मिनल। ठीक है, अभी सवाल ये उठता है कि NO और NC टर्मिनल कौन सा है इन दोनों में से। ठीक है, इसमें सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मल्टीमीटर लेना है और इसको आपको ये जो कंटिन्यूटी है इसमें रखना है, और फिर आपको एक प्रोब ये कॉमन टर्मिनल में लगाना है। ठीक है, और एक प्रोब ये दोनों टर्मिनल में लगा के देखना है। तो मैं इसमें लगा देता हूँ, तो बीप साउंड नहीं आ रहा है, अभी इसमें लगा के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं बीप साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये जो टर्मिनल है ये है NC, NC मतलब नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, नॉर्मली क्लोज्ड में उसके वर्ड में मीनिंग है कि ये कॉमन और ये जो टर्मिनल है ये क्लोज्ड है अंदर से। ओके, तो हमने पहचान लिया ये जो टर्मिनल है ये NC है और ये NO है। ओके, अभी हमें डायोड को ये रिले के साथ लगाते हैं। तो डायोड में आप देख सकते हैं ये जो रिंग पोर्शन है वो है कैथोड मतलब नेगेटिव, और दूसरी तरफ है एनोड मतलब पॉजिटिव। ओके, तो हमको ये जो डायोड है वो हमको ये रिले के कॉइल टर्मिनल के साथ सोल्डर करना है। तो आपको इसे इस तरह रखना है, मतलब ये जो कैथोड पोर्शन है वो NO की तरफ आना चाहिए और ये जो एनोड पोर्शन है वो NC की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसे इधर सोल्डर कर देते हैं। तो हमने सोल्डरिंग कर दिया है।
अभी हम ट्रांजिस्टर को रिले के साथ लगाते हैं, तो आप ट्रांजिस्टर को इस तरह पकड़ेंगे तो जो राइट वाला लग है वो है एमिटर, बीच वाला है बेस और जो लेफ्ट साइड वाला है वो है कलेक्टर। अभी हमें कलेक्टर लग को ये जो डायोड के एनोड टर्मिनल के साथ सोल्डर करते हैं। अभी ये जो 220 ओम का रेजिस्टर है वो हम ये ट्रांजिस्टर के बेस के साथ सोल्डर करते हैं। अभी हमको इसमें पीआईआर सेंसर लगाना है, तो पहले हम ये जम्पर वायर को लगा देते हैं। तो मैंने एक साइड को कट करके स्ट्रिप कर दिया है, ठीक है। तो हम पीआईआर सेंसर के वीसीसी पिन को रेड वायर कंसीडर करते हैं, आउट पिन को ऑरेंज वायर कंसीडर करते हैं और जो ग्राउंड पिन है उसे येलो वायर कंसीडर करते हैं। तो ये जो रेड वायर है उसे हम डायोड के जो कैथोड टर्मिनल है उधर हम सोल्डर कर देते हैं। जो ऑरेंज वायर है उसे हम ये रजिस्टर के जो दूसरी तरफ है उधर हम सोल्डर कर देते हैं। जो येलो वायर है वो हम ट्रांजिस्टर के जो एमिटर लग है उसमें सोल्डर करते हैं। तो उधर हमने तीन वायर को सोल्डर कर दिया है और पीआईआर सेंसर हम एकदम लास्ट में लगाएंगे। अभी हम पावर सप्लाई के कनेक्शन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने इधर मोबाइल का जो चार्जर है वो लिया है, इधर एसी इनपुट है और इधर डीसी आउटपुट हमको मिल जाता है प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। और अभी हम ये जो प्लस 5 वोल्ट है मतलब ये जो रेड वायर है वो हमें डायोड के कैथोड में लगा देते हैं और ये जो नेगेटिव वायर है वो हम ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल के साथ सोल्डर कर देते हैं। ये वायर लगाते टाइम एकदम ध्यान रखना, ये डीसी आउटपुट वायर है, ठीक है, गलती से एसी इनपुट वायर ना लगा देना। अभी हमको 230 वोल्ट एसी का जो लाइव वायर है वो हमको ये कॉमन टर्मिनल में लगाना है ये रिले का, और साथ ही साथ हमको इसमें भी 230 वोल्ट देना है, ये मोबाइल का जो चार्जर है तब जाके काम करेगा। तो हम लाइव वायर इन दोनों को एक साथ देते हैं। तो इसके लिए मैंने इधर एक वायर लिया है, अभी इस वायर को कोई एक वायर के साथ हम जोड़ देते हैं। अभी मैं इसको जस्ट सोल्डर कर देता हूँ इस दोनों वायर को। अभी इस दोनों वायर को एक कॉमन टर्मिनल के साथ सोल्डर कर देता हूँ। तो इधर हमने सोल्डर कर दिया है एक कॉमन टर्मिनल में दो वायर को, ठीक है। तो ये जो वायर इधर हमको लाइव देना है 230 वोल्ट, ओके। तो मैंने इधर एल करके एक पेपर में लिख के रखा हुआ है और अभी हम सेलो टेप की मदद से ये वायर में चिपका देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्किट में एक और रेड वायर आने वाला है और हमें पूरा सर्किट को एक छोटा बॉक्स के अंदर और डालने वाले हैं, और जो भी ऐसा इस तरह का एक्सटर्नल वायर रहेगा वो हम बाहर डालने वाले हैं बॉक्स के बाहर। तो कंफ्यूज ना हो कि कौन सा वायर में लाइव देना है, तो इसके लिए हम इस तरह मार्क कर रहे हैं, ओके। अभी एक वायर लेना है और एक वायर को हमको ये जो रिले का एनोड टर्मिनल है उसमें सोल्डर करना है, और ये जो वायर है वो बल्ब में जाएगा, ठीक है। तो मैंने इधर बी करके एक पेपर में लिख के रखा हुआ है, तो हम ये टेप की मदद से ये वायर में इस तरह लगा देते हैं। अभी ये जो दूसरा वायर है इसमें हमको 230 वोल्ट एसी का जो न्यूट्रल वायर है वो लगाना है, ठीक है। तो मैंने इधर एक ब्लैक वायर लिया है, अभी मैं ब्लैक वायर को इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो इसको अभी मैं इंसुलेशन कर देता हूँ। तो सर्किट बस इतना ही है। अगर आपको सर्किट में कुछ डाउट वगैरह है तो आप ये जो सर्किट डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पर इसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो इधर इंसुलेशन मैंने कर दिया है। अभी हमें ये रिले के ऊपर हॉट ग्लू लगा देते हैं, क्योंकि हमें पूरा सर्किट एक बॉक्स के अंदर रखने वाला है तो आपस में शॉर्ट ना हो इसलिए। और हॉट ग्लू लगाने से जो वायर हमने लगाया था वो भी फिक्स रहेगा। अभी मैंने ये जो मोबाइल का सर्किट है इसके पीछे इंसुलेशन टेप लगा दिया है। अभी हम इस पूरे सर्किट को ये जो छोटा सा बॉक्स है इसमें डाल देते हैं। तो जो हमारा सर्किट है उसको मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है और जो वायर है उसे मैंने बाहर निकाल दिया। इधर आप देख सकते हैं तीन वायर है और मैंने पीआईआर सेंसर का भी वायर को बाहर निकाल दिया है। और इस मोबाइल चार्जर में एक एलईडी दिया हुआ है, इस एलईडी को मैंने बाहर निकाल दिया है जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। और इस एलईडी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सर्किट चालू है कि नहीं। तो गाइस जो हमने ऑटोमेटिक लाइट बनाया था ये मैं अपना वॉश बेसिन का जो लाइट है इधर इंस्टॉल करने वाला हूँ। इंस्टॉल करने से पहले आपका जो मेन सप्लाई का स्विच है उसे ऑफ कर दीजिएगा सेफ्टी के लिए। तो हमारा जो बॉक्स है इसके पीछे मैंने डबल साइड सेलो टेप लगा दिया है। अभी मैं इसका जो स्टिकर है उसके पील कर देता हूँ और इसे मैं अभी इधर लगा देता हूँ अपना बल्ब होल्डर के नीचे। तो मैं सबसे पहले बल्ब को निकाल देता हूँ और जो स्क्रू है इसे भी निकाल देता हूँ। तो आप इधर दो वायर देख सकते हैं, ठीक है, एक है लाइव और एक है न्यूट्रल, ठीक है। तो हम इसे अभी लाइव वायर को निकालते हैं।
बच्चे लोग कोई वीडियो देख रहे तो प्लीज इसे करने का कोशिश ना करें, ठीक है? बहुत ही खतरनाक है, 230 वोल्ट है एसी। तो जो वायर है जिधर हमने एल लिखा था इधर हमको लाइव वायर कनेक्ट करना है, ठीक है? तो मैं जो मार्किंग किया इसे हटा देता हूँ, जस्ट पहचानने के लिए मैंने इसमें मार्क किया था ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक और वायर था हमारे इधर, देखिए रेड वायर एक और था, तो दोनों वायर में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसा मार्क किया था। अभी हम जो एल करके लिखा हुआ वायर था उसको ये लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी मैं इसमें इंसुलेशन टेप लगा देता हूँ। अभी जो हमारा ब्लैक वायर है इसे हमको न्यूट्रल वायर के साथ लगाना है, तो मैं जो न्यूट्रल इधर लगा हुआ है उसका स्क्रू को थोड़ा सा लूज कर देता हूँ और उधर ही हमें न्यूट्रल वायर को लगा देते हैं, ठीक है? लग गया अभी, मैं स्क्रू को टाइट कर देता हूँ। अभी जो दूसरा टर्मिनल है इधर हमको ये वाला वायर लगाना है, रेड वायर, इधर मैंने बी करके लिखा हुआ था। बी मतलब ये वायर बल्ब में जाता है। अभी ये मार्किंग को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? अभी इस टर्मिनल में लगा देता हूँ और स्क्रू कर देता हूँ मैं। ओके, तो हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है, तो मैं बल्ब को वापस लगा देता हूँ। ओके, तो अभी मैं ये पीआर सेंसर को लगा देता हूँ, ठीक है? तो लगाते टाइम आपको एकदम ध्यान रखना है, हमारा जो रेड वाला वायर है वो वीसीसी है, ऑरेंज वाला आउट है और येलो वाला ग्राउंड है, तो उसके हिसाब से आपको लगाना है। मैंने आपको पहले बताया था जो जीरो डायोड के पास वाला जो पिन है वो अपना वीसीसी है, ठीक है? तो एकदम बराबर से देख के लगाना, इस तरह उल्टा लगा देंगे तो चलेगा नहीं। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हुआ। ओके, तो जैसे मैं इधर से जाएगा बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको ये ऑटोमेटिक लाइट कैसा लगा। ओके, तो जो सर्किट हमने बनाया है उस सर्किट में हमने बल्ब को दिया है कनेक्शन। ये बल्ब की जगह पे आप चाहिए तो फैन लगा सकते हैं या एसी मोटर लगा सकते हैं या जो भी एसी अप्लायंसेस है वो आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये सर्किट सिर्फ एसी अप्लायंसेस को ही चलाता है, आप चाहिए तो डीसी अप्लायंसेस भी लगा सकते हैं। बट क्या कि जिधर हमने एसी सप्लाई दिया था रिले में उस जगह पे आपको डीसी सप्लाई देना होगा। ओके, और इसे मैंने ये वॉश बेसिन में सेटअप किया है, आप चाहिए तो इसे रूम में लगा सकते हैं या वॉशरूम में लगा सकते हैं, जो भी जगह है जिधर आपको ऑटोमेटिक बनाना हो उस जगह पे आप इसे लगा सकते हैं। तो इसका जो भी कंपोनेंट्स है वो आपको आसानी से इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट शॉप दुकान से मिल जाएगा एकदम सस्ते में, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन में भी मंगा सकते हैं। सारा कंपोनेंट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, वीडियो पसंद है वीडियो डिसलाइक करें। इस तरह का वीडियो मिलते रहेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के जस्ट ऑपोजिट बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं हूं सूरज सुरेश, मिलते गाइस आप सबसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।